अपना काम करेंगे, उसमें टीचर लोग भी तो देखेंगे, मास्टर लोग का भी देखेंगे। कंप्लेन आया कि लोग जाता नहीं पढ़ा, दिक्कत है। लोगों को जो शिक्षा मंत्री जी है, नया नीति बनाया जा रहा है, इस नीति के तहत इकाइयों को नहीं बल्कि विभाग को ताकत होगा शिक्षकों पर कार्रवाई करने का। तो ये सारा काम कोई में नीति बन जाएगा, कैबिनेट आएगा, पास होगा, अब आपकी सिखाई रह जाएगा, तो लोग जो है कंट्रोल करना, ट्रांसफर पोस्टिंग करना विभाग के पास रहेगा, इकाई की ताकत विभाग के पास रहेगी। तो जो शिक्षक अगर बेमानी कर रहा है, पढ़ा लिखा नहीं रहा है या आ नहीं रहा है, तो उस पर कार्रवाई हो। और यही नहीं, अगर अस्पताल में यहां बड़ी समस्या, हाथ का टूट जाए तो बाहर ले जाना पड़ता है, गर्भवती महिला है तो उसको बाहर ले जाना पड़ता है, यहां डॉक्टर दिया जाता है लेकिन आता नहीं है। तो इसलिए अब सभी लोग यहां है विभाग के, इसको तो हम लोग खासतौर पर देखिए, औचक निरीक्षण करें तो बुझा ही जाएगा। एक बार अचानक से आ गए बिना किसी को खबर की है, तब तो कोई अगर गलत अगर पकड़ा गया तो समझिए कि उसका पैर ले जाएगा, जनता की सेवा की है। लेकिन डॉक्टरों को राहत भी देना चाहिए, और उन्हीं के ध्यान में उनका ट्रांसफर हो जाए तो ज्यादा अच्छा। फल्ला के फल्ला जिला में रहता है, मन वहीं पर रहता है, क्लिनिक वहीं पर है कि नहीं। अब बहुत डॉक्टर ऐसा होता है कि चाहता है कि ग्रामीण जिला का एकदम शुरू जिला पर ले लो, ताकि कोई चेकिंग ना करने जाए, वहां टेटेज बनता रहता है। तो हम सब लोग तो ध्यान दिए हुए, तो सब काम किया जाएगा, कोई चीज की चिंता नहीं है। देखिए कि हमें तो केवल चार पांच महीना, आप हमको 25 तक के लिए बनाए कि नहीं बनाए? अरे 25 तक बनाएगा, 25 तक देखिएगा कितना।